शामली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन ने कोतवाली में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हंगामा काटा हुआ है। विधायक ने पुलिस पर निर्दोष लोगों को जेल भेजने का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि पुलिस पीड़ितों के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने के बजाय उल्टा उन्हें ही धमकाती है, 2-3 दिन अपने पास रखती है और फिर सौदेबाजी कर वसूली करती है। बताते चलें कि शामली पुलिस से जुड़ा यह ऐसा पहला मामला नहीं है। करीब 1 सप्ताह पहले भी अवैध वसूली के चलते पुलिस की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था। मन्ना माजरे के कल रात 3 आदमी जेल भेजे जो 151 में जो उनसे वहाँ थे भी नहीं, जो है मान लिया जो करने वाले उन्हें भेजो जो जबरदस्ती सबको उठा के क्यों भेजा जा रहा है। तीसरा के एक हाँ ये पर्दा झगड़ा हुआ वहाँ प्रधान जो है तहरीर ले गया, सिर फटरा चोट नगरी जो है वो तहरीर ले गया, उसे बिठा लिया यहाँ हॉस्पिटल में है जो आपकी। जब मैंने कहा मुका भाई अच्छा ऐसा है कि तुम रोज इस काम को करोगे, जब पीड़ित आदमी दरखास्त लेके आने के बाद भी जो है जो वो जेल में जाएगा 15-15 दिन रहेगा, फिर क्या फायदा ऐसे नहीं आएगा ये बताओ। ये कहा कौन सी सरकार का वचन है।